राम मनोहर लोहिया ने कहा था, यह संविधान बनाया था गुलाम भारत के प्रतिनिधियों ने। संविधान को बनाने के लिए जो सभा बैठी थी उसे चुना था उन विधानसभाओं ने जो अंग्रेजों के ज़माने में चुनी गई थी। फिर ऐसा संविधान जनतंत्र की कहाँ तक स्थापना कर सकता है। 1947 में हुए देश विभाजन से लोहिया बहुत दुखी थे। विभाजन की जिम्मेदारी के संबंध में उन्होंने कहा था, देश के बंटवारे के लिए जितने दोषी जिन्ना, नेहरू और सरदार पटेल थे उतने गांधी जी नहीं थे, लेकिन दूसरे नंबर के दोषी वहाँ भी थे। मुख्य दोषियों में इतिहास की विशाल निवैयक्तिक शक्तियाँ, कन्नौज के विघटन के बाद हिंदुओं का पतन, हिंदुस्तान के इस्लाम की आंधी, आत्मघाती कट्टरता, ब्रितानी साम्राज्यवाद की आखिरी साजिश और सबसे अधिक समर्पण और समझौते की वह दीन भावना भी थी जिसे समन्वय और सहिष्णुता कहा जाता है। कौन जानता है कि अगर गांधी जी जेल में होते या जेल जाने की धमकी भी देते तो बंटवारे से बचा जा सकता था। यह एक तथ्य है कि 15 अगस्त 1947 की रात जब जवाहरलाल नेहरू और उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता बंटवारे की त्रासदी के साथ आई आज़ादी का जश्न मना रहे थे तो लोहिया और महात्मा गांधी उस जश्न में शामिल नहीं थे। लोहिया के अनुसार देश का विभाजन और गांधी जी की हत्या एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक पहलू की जांच किए बिना दूसरे की जांच करना समय की बर्बादी है। लोहिया गांधी जी के अनुयायी तो थे किंतु किसी पद प्रतिष्ठा की लालसा से दूर रहने के कारण वह उनकी आलोचना करने में संकोच नहीं करते थे। 14 अगस्त 1960 को उन्होंने लिखा, मैं आज भी गांधी जी की इस मान्यता को नहीं स्वीकारता कि चरखा वह सूर्य है जिसके चारों ओर रचनात्मक कार्यक्रम की समस्त प्रक्रिया घूमती है। चरखे की जगह मैं फावड़े को देता जिससे खेती की जाती, नाले, नहरें, गड्ढे खोदे जाते हैं, सड़कें बनती हैं। लोहिया का कहना था कि हिंदुस्तान के शासक वर्ग के तीन प्रमुख लक्षण हैं, ऊंची जाति, अंग्रेजी शिक्षा और पैसा। इनमें से कोई दो लक्षण साथ जुड़ जाने पर कोई भी व्यक्ति शासक वर्ग में शामिल हो सकता है। यह निष्कर्ष आज भी उतना ही सत्य है। लोहिया के समय ने भी यह कहा था, प्रत्यक्ष अनुभूति, साक्षात्कार, दर्शन के आधार पर जिस राष्ट्रवादी समाजवाद की रूपरेखा लोहिया ने कल्पित की थी उसके कार्यान्वयन के लिए प्रशंसकों और सहचरों की उनकी स्वतंत्र टीम पर्याप्त न थी। काश दीनदयाल उपाध्याय के दर्शन तथा राम मनोहर लोहिया के साक्षात्कार दर्शन को मिलाकर डूब रहे भारत को बचाने का कोई नया नुस्खा बन पाता। जनसाधारण की निष्ठा किसके प्रति होनी चाहिए, व्यक्ति, संगठन या सिद्धांत के प्रति? लोहिया ने बताया कि निष्ठा तीनों के प्रति होनी चाहिए, किंतु प्रचलित निष्ठा क्रम में बदलाव आना चाहिए, फिर संगठन के प्रति और अंत में नेता के प्रति। वैयक्तिक निष्ठा के बल पर स्वार्थ सिद्धि करते हुए देश को गर्त में ढकेलने का विरोध करने वालों के लिए लोहिया का यह मत सर्वश्रेष्ठ सूत्र होना चाहिए। मात्र 57 वर्ष की
आयु में अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करते हुए लोहिया 20 बार जेल गए। स्वतंत्र भारत की सरकार ने उन्हें 12 बार जेल भेजा था, किंतु उन्होंने सिद्धांतों से समझौता कभी नहीं किया। करुणा उनके स्वभाव में थी, किंतु अन्याय के प्रति क्रोध और सम्यक क्रांति उनका संकल्प था। निसंदेह लोहिया के विचारों की शान पर ही भविष्य को तराशा जा सकता है।